जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है गाइज आपके नरेशन। नरेशन आपको पता होना चाहिए, इसको बोलचाल की भाषा में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है गाइज, इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा जाता है। और नो डाउट गाइज एमपी पटवारी के अंदर आप लोगों के मिनिमम दो क्वेश्चन इस टॉपिक से निकलने वाले हैं, ठीक है? तो हम टारगेट इसके अंदर यही कर रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा हम नरेशन इसके अंदर देखने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो करवाया था विद प्रैक्टिस, ठीक है? तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लास बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए हुए। तो डन कर दीजिए एक बार, तैयार हो आप सभी, तो के बाद में सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके जो नरेशन होता है, ठीक है? नरेट होता है किसी चीज को कहना। नरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कहना। वर्ब फॉर्म होती है, नाउन फॉर्म में हम उसे कहते हैं नरेशन। क्लियर है? अब गाइज अगर किसी भी चीज को कह रहे हैं तो कहने का तरीका जो होता है अगर बदल जाता है तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं, और अपनी बात ऐसी की ऐसी कही जाती है तो उसे डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन में फंसने से बजाय हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये रहेगी कि डायरेक्ट के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। क्लियर है? तो उसी चीज के ऊपर मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बता देता हूं कि नरेशन जो होते हैं गाइज वो आपके दो तरह के होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और दूसरा होता है गाइज आपके इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? अब इसे हम डायरेक्ट स्पीच क्यों कहते हैं? तो स्पीच का मतलब भी होता है गाइज कोई सेंटेंस को बोला जाता है आप लोगों के स्पीच कहते हैं। कंप्लीट है? जैसे अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि क्लोज क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस ही क्या होता है आप लोगों के वाक्यांश होता है। क्लियर है? तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में देखिएगा एक कॉमन सी बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा सेंटेंस वो ही डायरेक्ट होता है जिस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई एक सेंटेंस दिखेगा वो ही हमेशा क्या होता है आपके डायरेक्ट होता है। क्लियर है? मतलब ये है कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर दो तरीके से हो सकता है गाइज। आप लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है, ठीक है? एक तो ये और एक ये। मतलब ये है कि इन्वर्टेड कोमा वाला जो पार्ट होता है वो या तो पीछे की तरफ लिखा जा सकता है या आगे की तरफ लिखा जा सकता है, और विदाउट इन्वर्टेड कोमा वाला जो पार्ट होगा वो गाइज आपके जरूरी नहीं है हमेशा आगे ही हो, वो कभी पीछे भी यूज लिया जा सकता है। क्लियर? अब इसके बारे में आपको स्पेशली एक चीज ध्यान रखनी है गाइज कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हिस्सा होता है, बहुत अच्छे से सुनना, वर्ड्स पे फोकस करना कि इन्वर्टेड कोमाज, ठीक है, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे हमेशा कहा जाता है आप लोगों के रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है उसे? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है? अब चाहे वो पीछे हो आगे हो, लेकिन अगर वो इन्वर्टेड कोमा के बीच में है आप उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ठीक है? और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है गाइज आपके रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहेंगे उसे हम? हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच। ये चीज आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है। क्लियर? तो डायरेक्ट सेंटेंस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइज वो हमेशा पहली चीज ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कोमाज के बीच वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच होता है,
और इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भाग होगा वो हमेशा क्या होता है गाइस, आपके रिपोर्टिंग स्पीच होता है। यहां तक अगर समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, छोटा सा भी डाउट हो तो गाइस आप पूछ लीजिएगा। ओके चल अब आगे देखते हैं हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के जो कुछ कॉमन रूल्स होते हैं। ओके कि अगर आप कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो या इनडायरेक्ट सेंटेंस लिख लीजिए कि आप अगर कभी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हो उसके कुछ जो कॉमन कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं गाइस जो सभी के अंदर काम आएंगे, मतलब पूरा जब हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अलग अलग तरह के इंपेरेटिव हो, मिसलेनियस हो, डबल रिपोर्टेड हो, कैसा भी हो गाइस, ठीक है, इंटरोगेटिव हो, मॉडल वाले हो, तो उन सब चीजों के अंदर कुछ कॉमन जो है स्टार्टिंग से एंड तक जो काम आने वाला है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लिखते हैं। तो नंबर वन होता है गाइस आपके इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है। इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हम क्या कर देते हैं गाइज, हमेशा के लिए हटा देते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज गाइज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे तो कनेक्टिव कुछ लगाना होगा आपको, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमेशा कनेक्टिव का यूज करते हैं जिन्हें हम कंजंक्शंस भी करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम कि कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कनेक्टिव के तौर पर या कनेक्टिव के रूप में वैसे सामान्य तौर पर डेट का यूज किया जाता है, सामान्यतः क्लियर है। जब कोई मतलब साधारण वाक्य हो, कोई कंडीशंस नहीं हो तो आप डेट का यूज करेंगे, अदरवाइज बीच बीच में गाइज आपकी इफ का यूज देखने को मिलेगा, वेदर का यूज देखने को मिलेगा, ठीक है, टू का यूज देखने को मिलेगा, और कभी कभी डायरेक्टली कोई डब्ल्यू एच भी आपको देखने को मिल सकता है। ये जितने लिखे हैं ये इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपके कनेक्टिव के तौर पर यूज लिए जाते हैं, ठीक है। तो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कनेक्टिव के रूप में इनका यूज किया जाता है, का यूज किया जाता, क्लियर है। ये आप लोगों का बिल्कुल कॉमनली यूज लिया जाए, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए और यहां तक समझ आया हो तो डन कीजिएगा और डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके अब देखिए ये कॉमन है गाइस। अब इसके बाद ना कंडीशंस आपके चेंज होती रहेगी। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, ये डायरेक्ट है आपके डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में है आई एम Going. ये आप लोगों के सामने है। अब गाइस जब आप इसे इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो कॉमन रूल नंबर वन ये कहता है कि सभी कोमा व सभी इन्वर्टेड कोमा को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
और कॉमन रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि आपको वहां पर नॉर्मली कनेक्टिव के तौर पर किसका यूज करना होगा, दैट का। तो गाइज अगर आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा अगर आप हटाओगे उसके बाद आपको क्या लगाना होगा, दैट। अब ये वैसे ये सेंटेंस आई एम गोइंग ऐसा का ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, ये लिखा जाएगा आपके ही वॉज गोइंग। तो ये ही क्यों हुआ, वॉज क्यों हुआ, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। लेकिन कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के आपको दैट का यूज करना है और उसके बाद आपको दैट लगाकर सेंटेंस के अंदर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहां तक अगर समझ आया हो तो डन कीजिए और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, छोटा सा भी डाउट हो तो पूछिए। ओके, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब देखते हैं गाइस हम सबसे पहले कि डायरेक्ट स्पीच के या डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, इसमें गाइस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या क्या चीजें होने पर इनडायरेक्ट बनाते समय क्या परिवर्तन आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर कॉन्सेप्ट देखिए गाइस, ये थोड़ा हो सकता है कि मैं आपको रूल बेस्ड लिखा रहा हूं लेकिन ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर हम मतलब बेसिकली मानकर चले कि अगर कोई बच्चा कभी नहीं पढ़ा हो तो उसे भी ये चीज समझ आएगी, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में जो चीजें आपको लिखा रहा हूं उसे लिखिएगा जरूर आप, ठीक है। तो देखिए गाइस कॉन्सेप्ट यह है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेज ये किसका, सेज का, और इसके अलावा गाइज आपके विल से, इसका गाइज विल से, ठीक है। ये दो मैंने क्यों लिखाए हैं इसके बारे में लिख देता हूं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट वर्ब फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट वर्ब फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है, सेज के अलावा गाइज आप से भी कर सकते हैं, लिख देता हूं मैं थोड़ा सा जगह लेकर लिख देता हूं, से भी जो होता है सेज विल से, क्योंकि टेंस आप पढ़ चुके हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज किया जाता है, जबकि फ्यूचर के अंदर आपको जनरली विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को, ठीक है। तो अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करोगे, इस चीज का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम देखते गाइस कि किस तरीके से आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहले एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती है। चलिए देखिएगा, जैसे मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस देता हूं पहले, ही सेज
ही गोज टू मार्केट, एक सेंटेंस तो ये है गाइस आपका। दूसरा सेंटेंस है डायरेक्ट ये है, ही विल से he will not go to market. अब गाइस जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे या इनडायरेक्ट सेंटेंस जब हम इसे बनाएंगे तो यहां पर अच्छे से समझ आपको यही चीज स्पेशली ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट के अंदर तो वापस लिख देता हूं यहां पर कि प्रेजेंट में तो ये रहेगा हमेशा से या स्टेज में, इसमें रहेगा से या स्टेज में रहेगा, ठीक है। फ्यूचर के अंदर अगर जाएगा गाइस तो ये रहेगा आपके विल से या सेल से, ठीक है। अब गाइस अगर आपको इन चारों में से कोई भी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब होगा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग होगा, ये वाला भाग, अगर इन चारों में से कभी भी आपको कोई भी एक वर्ड अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में दिख जाए तो गाइस सिंपल सा फंडा है कि जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो कनेक्टिव दैट लगा देना, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा है कि प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे, मैंने ये कहा है कि टेंस जो है ना गाइस वो कभी भी आपके नहीं बदलेगा, टेंस को कभी चेंज नहीं करना है, ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ ही है तो गोज टू मार्केट ऐसा का ऐसा ही लिखने में आएगा, आप इसे वेंट नहीं कर सकते। जब आप इसे बनाओगे तो आपको ये ही लिखना पड़ेगा ही विल से दैट ही विल नॉट गो टू मार्केट, ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्लियर है। वापस से समझा देता हूं नहीं समझ आया हो कि अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में कभी भी ये चार वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग में टेंस से संबंधित परिवर्तन कभी भी नहीं करोगे, ये चीज आपको स्पेशली यहां पर याद रखनी है। समझ आया हो तो डन कीजिएगा और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, छोटा सा भी डाउट हो बिल्कुल पूछिएगा। क्लियर है गाइस ये, गुड। आगे देखते हैं अब हम, लेकिन उससे पहले गाइस डेली डोज के लिए आप अपडेट कीजिएगा परीक्षा एप्लीकेशन, जहां पर आपको मैथ के अनदेखे सवाल, करंट अफेयर्स का डेली डोज, ग्रुप टू सब ग्रुप थ्री का डेली डोज, आईटीआई सीयूपीए का डेली डोज और एमपी पटवार का डेली डोज आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। डाउट्स के लिए आप अपडेट कीजिएगा परीक्षा एप्लीकेशन, जहां पर आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं इस तरह से कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों के सामने, अब एक कॉन्सेप्ट और है उसे भी अच्छे से समझिएगा। अगर आपके डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच मतलब विदाउट इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपको टू दे दिया जाए, इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं तो देखिएगा, अगर गाइस आप लोगों को कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंस के टू दे दे, क्या देगा, से टू, सेस टू या सेड टू, क्लियर है। तो से टू को तो आप किस में बदलोगे गाइस, टेल में, इसमें बदलने में आएगा से टू आपके टेल में बदलेगा, ठीक है। सेश टू को आप किस में बदलोगे गाइस, तो सेश टू बदलेगा आपके टेल्स में, और सेट टू को किस में बदला जाएगा, तो सेट टू बदला जाएगा गाइस आपके टॉल्ड में,
ये कॉन्सेप्ट आपको स्पेशली अच्छे से याद रखना है, क्लियर है? नोट डाउन कीजिएगा और इससे रिलेटेड हम पहले एक आध क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड हम एक आध क्वेश्चन देखते हैं के बाद आगे और क्या क्या कंडीशन है वो भी हम इसके अंदर चेक करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है आप लोगों के सामने, He says to me, she is going to Japan. ठीक है, अब गाइस जब आपको इनडायरेक्ट बनाओगे जब आप इसे इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप रिपोर्टेड स्पीच का ही लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच का आपने ही लिख दिया। अब अगर सेज के बाद टू आ रहा है तो गाइस आप इस पूरे सेज टू को किसमें बदल दोगे, टेंस में, फिर मी लिख दोगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाओगे तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, दैट। क्या लिखना होगा गाइस आपको यहाँ, दैट लिखना होगा। पहली चीज तो आपको ये स्पेस यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद गाइस आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि अगर आपको प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी वर्ड रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर दिख जाता है, आप अंदर टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करोगे, सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा आप सेंटेंस लिख दोगे। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। और लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है आपके, दे विल से टू हर, दे विल से टू हर, is intelligent, ये आपको लिख कर दे दी। अब आपकी इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय अप्रोच क्या रहेगी, क्या आप दे लिखेंगे, विल लिखेंगे, और से के बाद अगर टू आ रहा है तो पूरा से टू किसमें बदल जाएगा गाइज, टेल में, उसके बाद आप लिखेंगे कनेक्टिव, सॉरी हर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाते हुए आपको दैट लिखना होगा, फिर आप सी इज इंटेलिजेंट को यथावत लिख देंगे। समझ आया हो तो डन कीजिएगा और डाउट हो तो पूछिएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे खासे तरीके से समझ आ रहा हो, फिर भी गाइस अगर कोई भी डाउट हो छोटा सा भी तो आप लोग जरूर पूछिए। क्लियर है, ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं गाइस आपके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज ली जा रही कि अगर गाइस आपके डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच हो या रिपोर्टेड स्पीच हो, प्रोनाउन यूज लिए जाए, क्या यूज लिए जाए प्रोनाउन, उन्हें किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। नाउन में कोई दिक्कत नहीं होगी, राम होगा तो राम ही लिखना होगा, श्याम होगा तो श्याम ही लिखना होगा, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अगर प्रोनाउन हो जाए तो गाइस फिर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर वो चेंज सही नहीं होंगे तो सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा आपके, गलत होगा। देखिए यदि डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में
प्रोनाउन का यूज किया जाता है यदि डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन निम्न प्रकार होगा तो प्रोनाउन में परिवर्तन निम्न प्रकार के अब देखते हैं वो किस प्रकार होगा गाइस। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका डायरेक्ट सेंटेंस जो है ये दो हिस्से हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है गाइस ये आपका है रिपोर्टिंग स्पीच और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हिस्सा होगा वो होगा गाइस आपके रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा वो? रिपोर्टेड। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन आ जाए, अब आप बोलेंगे बोले सर प्रोनाउन कौन कौन से? बेटा प्रोनाउन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोनाउन का टॉपिक आपके हो चुका है आई वी दे यू ही सी इट वन, ये सारे क्या होते हैं आपके प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। बाकी अभी लिखवा भी दूंगा। तो गाइस मान लीजिए सेंटेंस जो है उसके अंदर पोजीशन रहती है इस तरह से कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और यहां भी पोजीशन है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब अगर इस सब्जेक्टिव पोजीशन पर दोनों जगह या ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर नाउन का यूज नहीं करके प्रोनाउन का यूज किया गया तो फिर आपको कैसे चेंज करना हो? क्लियर है? अब हम देखते हैं कैसे चेंज करेंगे उसको। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि चेंज कैसे किया जाएगा। पहले एक सेंटेंस लिखते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। सेंटेंस है गाइस आप लोगों के सामने, आई से टू हिम यू आर डूइंग हर वर्क। क्लियर है? ये आप लोगों के सामने एक डायरेक्ट सेंटेंस है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इससे आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच वो होगा जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा और रिपोर्टेड स्पीच वो होगा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा, ठीक है। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही जगह पर हो सकता है सब्जेक्ट आ रहा हो, वर्ब आ रही हो और ऑब्जेक्ट आ रहा हो। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता, केवल सब्जेक्ट आता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये फिर से सब्जेक्ट है, पूरा वाला पार्ट वर्ब है और ये क्या है गाइज आपके ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? अब जब हम इससे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो गाइज अगर नाउन होता है यहां पर ऐसे होता राम सेज टू सीता, क्लियर, और फिर यहां दे देता है कि सीता इज डूइंग गीताज वर्क। तो गाइस यहां पर नाउन है तो नाउन में आप राम को श्याम नहीं कर सकते, गीता को सीता नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर प्रोनाउन आ रहा है इनमें तो फिर आपको परिवर्तन करने होंगे, और वो परिवर्तन किस तरह से होते हैं तो एक बचपन से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सन बटर 123, ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर पढ़ा।
अब ये सन बटा 123 क्या कहता है गाइस? तो सन में एस का मतलब तो होता है आपके सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है। ओ का मतलब होता है गाइस आपके ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है आपके नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है गाइस आपके नो चेंज होता है। वन का मतलब होता है गाइस आपके फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और थ्री का मतलब होता है थर्ड पर्सन, क्लियर है। अब ये कौन कौन से पर्सन होते हैं गाइस, तो दो ही चीजों पे डिपेंड करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर। कंप्लीट है ये चीज, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको वो टेबल बनवा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सहूलियत भरी चीजें रहेगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। टेबल बना लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम टेबल बनाते हैं और उसके बाद देखेंगे कंडीशंस क्या क्या हो। लेकिन उससे पहले गाइस, एमपी पटवारी के जितने भी वीडियो कोर्स है, मतलब पूरा का पूरा एमपी पटवारी आपको मात्र 499 में उपलब्ध करवाया जा रहा है। व्यापम का जो कोई भी फाउंडेशन, व्यापम फाउंडेशन का वीडियो कोर्स गाइस आपके 999 में है, और सभी सब्जेक्ट के माइक्रो कोर्स, चाहे इंडिविजुअली साइंस का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, मात्र 150 में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर्स आपको दिए गए हैं, कॉल करके आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। फैकल्टीज कंप्लीटली आप लोगों के सामने है, जो इन कोर्सेज के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स अपने लेक्चर प्रोवाइड करवा रही है। अब देखिए गाइस, बहुत अच्छे समझना, आपके सब्जेक्टिव पोजीशन पर आई बी U, T, C, it, they, जनरली इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन। और इनमें भी गाइस ध्यान रखना है कि I और V दोनों कौन से पर्सन होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, ठीक है। U अकेला कौन सा पर्सन होता है सेकंड पर्सन, जिसको हम अपनी बात कहते हैं। फर्स्ट पर्सन अपनी बात हमेशा सेकंड पर्सन को कहता है। थर्ड पर्सन होता है गाइस वो पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, क्लियर है। कि जैसे मान लीजिए हम, आप हो मेरे सामने, मैं भी, मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मैं आपको कहूंगा, किसको कहूंगा आपको, मैं कह रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं आई, किसको कह रहा हूं आपको तो यू, आप सेकंड पर्सन। और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, यार बोले वो ऐसा लड़का है, वो बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, वो सभी खेल रहे हैं, ठीक है, थीके? तो ये थर्ड पर्सन के बारे में बात की जा रही है। अब गाइज यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है कि पर्सन आपको पता लगी गए कि कौन कौन से प्रोनाउन कौन कौन से पर्सन के अंदर आते हैं। अब इनका एक आपके ऑब्जेक्टिव केस होता है, कौन सा केस होता है गाइज, जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है आपके मी, बी का होता है आपके अस, यू का गाइज आपके यू ही रहता है, ई का होता है हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का क्या हो जाता है गाइस, देम होता है, क्लियर है। इनका एक पजेसिव एडजेक्टिव केस भी होता है, या पजेसन भी कहते हैं, जैसे आई का पजेसन होता है माई, बी का होता है आर, यू का होता है योर, ई का होता है हिज, सी का होता है गाइस आपके इसी तरह से, इट का होता है इट्स, और दे का होता है देयर। बाकी का पजेसिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है, ये सब हम प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रोनाउन नहीं पढ़ा हो, वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर, बहुत पहले ही आपके प्रोनाउन टॉपिक हो चुका था, वहां से पूरा देख सकते। हमारे यहाँ पर नरेशन के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय केवल ये तीन ही चीजें काम आने वाली है, तो हम इन तीन पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक का पहले एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखें।
क्लियर है। अब देखिए, अभी अभी हमने देखा था गाइस, एक कॉन्सेप्ट लिखा था अभी प्रीवियसली स्लाइड में, सन 1, 2, 3 क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट को हम वापस से देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके 1, 2, 3 जो होते हैं ये तो चलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, किसके चलेंगे रिपोर्टेड स्पीच के, और जो SON होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ये चलेगा गाइस आपके रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत अच्छे से वर्ड्स पे फोकस करना, समझना, सुनना। अगर गाइस आपके रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब वापस बता देता हूं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन में कौन होता है गाइस, आई और वी का यूज किया गया है, आप उसको इनडायरेक्ट बनाते हुए रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से परिवर्तन करेंगे। क्लियर है कि अगर आपको इसमें कहीं भी आई या वी दिख रहा है तो गाइस आप रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदल दोगे। अगर गाइस आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन दिख रहा है और सेकंड पर्सन में अकेला कौन आता है आपके, यू, तो गाइस आप उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। जैसे अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में यू दिख रहा है तो गाइस अब आप इसे सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, आप इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। और अगर गाइस आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ रहा है, थर्ड पर्सन में कौन कौन से थे गाइस आपके, ही, सी, इट, वन और दे, तो गाइस आप उसे नो चेंज रखोगे। नो चेंज का मतलब है जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कोई परिवर्तन आपको उसमें नहीं करना है। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। चलिए करते हैं अब इसे परिवर्तन हम। तो देखिए ये तो है डायरेक्ट सेंटेंस, जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो जो चीज बताई है वो वैसे की वैसे आपको पढ़नी है, अभी तक जितना पढ़ा है कि आई है तो आई ऐसा का ऐसा है, टे के बाद अगर टू लग रहा है तो आप इसे टेल कर देंगे, हिम ऐसा का ऐसा। रिपोर्टिंग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होंगे, केवल का, सेज का और सेड का टू लगने पर जो परिवर्तन होगा वो ही करना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा अगर आप हटाएंगे तो फिर आपको कनेक्टिव क्या लगाना होगा गाइस, दैट, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर नाउन दिया गया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन दिया गया है तो गाइस अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट पे दिया गया है गाइस हिम, अब हिम का सब्जेक्ट क्या बनता है, तो हिम का सब्जेक्ट बनता है ही, जो टेबल बनाई थी उसके अनुसार। तो गाइस आप हिम को उठाकर यहाँ ऐसा का ऐसा नहीं लिखेंगे, हिम की पोजीशन यहाँ ऑब्जेक्ट की है लेकिन ये यहाँ आएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आपको किसका यूज करना होगा। वैसे अगर बाहर आपके सेड होता तो हम आर को ऑज में कन्वर्ट करते, लेकिन से होने पर या सेज होने पर, विल से या सेल से होने पर हम अंदर टेंस का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ही के साथ गाइस आपके आर नहीं आता है तो इज डूइंग ऐसा का ऐसा लिखेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखेंगे हम हर,
हर कौन सा पर्सन होता है? तो गाइस हर आपके थर्ड पर्सन होता है, सी का पजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस हमेशा क्या होता है, हर। तो हर कौन सा पर्सन हुआ गाइस आपके थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में लिखा है एन, और एन का मतलब होता है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हर वर्ग ऐसा का ऐसा आपके लिखने में आएगा। तो अब इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो बनेगा आई टेल हिम दैट ही इज डूइंग हर वर्क। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा गाइज। छोटे से भी डाउट्स आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत ही लंबा जाने वाला है, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है। अब हम और एग्जांपल्स देखेंगे अब यहां पर, और उन एग्जांपल्स को अच्छे से हम यहां पर करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट सेंटेंस है, राम सेज टू मी आई एम योर फर्स्ट फ्रेंड। ये गाइस आप लोगों को सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। अब हम जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट बनाते हैं अब, समझ देखिए एग्जाम्पल से करने होंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से आपकी क्लियर। यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां प्रोनाउन दे या नाउन दे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन सिर्फ कहां होंगे गाइस आपके इनडायरेक्ट के बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, रिपोर्टिंग में नहीं होगा। तो राम ऐसा का ऐसा है, सेज के बाद अगर टू लग रहा है तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेल्स में। नहीं ऐसा का ऐसा आ गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो हम कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट। अब गाइस आई दे दिया आपको, आई देने पर आप ये दिमाग में लगाओगे कि भैया सर ने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन देगा तो हम उसे बाहर के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब जब आपने यहां देखा कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में लिखा है राम, अब राम ऐसा का ऐसा राम उठाकर आप वहां नहीं लिख सकते, क्योंकि गाइज आई को रिप्लेस प्रोनाउन ही करेगा। अब आपका दिमाग दौड़ेगा कि भैया राम जो है पुल्लिंग है, मैंने नाउन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि मैस्कुलाइन जेंडर जो होता है उसको रिप्रेजेंट जो प्रोनाउन करता है वो ही होता है, तो राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए यहाँ आएगा ही, और ही के साथ एम की जगह क्या हो जाएगा, इच, क्योंकि बाहर सेज होने पर अंदर टेन से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होंगे। अब आप आगे बढ़ोगे तो योर, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू का पजेशन क्या होता है, योर। तो सेकंड पर्सन अगर आपको दिया गया है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, तो वो होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट पे आपको दिया गया है गाइस मी, मी उठाकर ऐसा का ऐसा नहीं रख सकते, तो मी जो होता है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये है आपके आई का, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। तो आपको यहां पर लिखना होगा माई, और बचा हुआ यथावत आएगा, तो राइट हो जाएगा कि राम टेल्स मी दैट ही इज माई फर्स्ट फ्रेंड। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। राम टेल्स मी दैट ही इज माई फर्स्ट। ओके, और एग्जांपल देखते हैं हम, डायरेक्ट सेंटेंस है, सीता सेज टू मी आई लव यू, ये सेंटेंस दिया है, क्लियर है। अब हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं गाइस। इनडायरेक्ट सेंटेंस आप लोगों के सामने है, तो सबसे पहले सीता रिपोर्टिंग का पार्ट है, ऐसा का ऐसा है,
तेज के बाद गाइस टू लग रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में। फिर मी यथावत आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा अगर आप हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आएगा गाइस आपके, दैट, क्या आएगा उसकी जगह, दैट आएगा। ओके, अब रही बात आई गाइस, यहां पर जब आपने देखा कि आई और यू दोनों इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ रहे हैं तो ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके प्रोनाउन आ जाता है आप उसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज कर। तो गाइस आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट पे सीता है, सीता फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, और फेमिनाइन जेंडर के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है सी। तो आप अगर सीता को उठाकर सीता ही लिख देते हो यहाँ तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ भी प्रोनाउन आएगा, तो सीता का जो प्रोनाउन है वो क्या होगा, और सी के साथ लव नहीं लगकर आपको क्या करना होगा, लव। वैसे अगर टेन से संबंधित परिवर्तन होते तो लव लव्ड में चेंज होता, फर्स्ट फॉर्म में जाता, बट यहाँ बाहर आपके प्रेजेंट है तो अंदर टेन से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बस ये है कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ही सी इट वन सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है। अब हम यहां पर देखेंगे यू, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो गाइस यहां आपको दिया गया है मी, आप जब इसको उठाकर वहां रखोगे ऑब्जेक्ट की ही पोजीशन होगी, तो यहां भी ऑब्जेक्ट वहां भी ऑब्जेक्ट, तो मी ऐसा का ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा सीता टेल्स मी दैट सी लव्स। समझ आया हो तो डन कीजिएगा और डाउट हो तो पूछिए, छोटा सा भी डाउट हो बिल्कुल पूछिएगा गाइस। ओके, उम्मीद करता हूं अच्छे खासे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिए, कमेंट के माध्यम से आप बाद में पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए गाइस इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है, और ये हमने आज जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसमें गाइस हम लोगों ने ये जाना है कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट इस सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ कॉमन रूल्स होते हैं वो हमने जाने हैं, डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर टेंस से संबंधित चीजें हमने समझी है, इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हो अगर आप, और अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको प्रोनाउन दिया है तो उस प्रोनाउन की कंडीशन हमने अच्छे खासे तरीके से चेक की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा नरेशन का, उसमें हम टेंस से संबंधित परिवर्तन देखेंगे, अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो वो किस अकॉर्डिंग आपके इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय चेंज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इंटरोगेटिव फॉर्म देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंपेरेटिव देखेंगे, इस तरह से बहुत ही लंबा चलने वाला है ये सेशन। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार वापस देखिएगा ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे खासे तरीके से क्लियर। साथ ही साथ गाइस आपको परीक्षा प्रॉपर मेंबरशिप आप ले सकते हैं स्टेट एग्जाम्स के लिए, पीएससी के लिए, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, और ये जो टेस्ट सीरीज है इस पर 18 फरवरी तक आपके गाइस 50% ऑफ चल रहा है। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है आपको PRO50, और PRO50 में विदाउट स्पेस दिए आपको यूज करना है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ गाइस हमारा डेली जो इंग्लिश का क्लास होता है वो 4 PM पर होता है, एमपी पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ग्रुप 4 स्टेनो के लिए लेक्चर्स आपको मेरे द्वारा डिलीवर किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आ रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल हम नए सेशन, नए जोश, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।